नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कल मुझे एक भाई साहब मिले और कहने लगे, जोगिंदर भाई आप लैपटॉप कंप्यूटर का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि लैपटॉप को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं भी कुछ देर की शांत हो गया, बता नहीं पाया कि क्या होता रियलिटी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको मालूम नहीं होगा कि लैपटॉप को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने काम किया, मैं लौट के आया तो घर पे आकर के मोबाइल फ़ोन खोला, मोबाइल पे फ़ोन पर जाकर के गूगल खोला और गूगल पर ने टाइप किया कि लैपटॉप को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पहले इसने बताया कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। नोट कर लीजिए, कंप्यूटर का हिंदी वर्ड है संगणक है, और लैपटॉप को हिंदी में कहते हैं सुवाह संगणक। ठीक है, लैपटॉप कह सकते हैं या गोद में रखने वाली चीज कह सकते हैं। लैप मतलब होता है गोद और टॉप मतलब गोद के ऊपर रखे काम करिए, समझ गए? तो लैपटॉप का मतलब ये होता है। फिर उन्होंने पूछा कि लैपटॉप क्या होता है, तो मैं सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, सबको मालूम हो जाए। अगर आपको नहीं मालूम है ना तो पूरे वीडियो को देखिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ, आप पक्का कुछ ना कुछ सीखेंगे। हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, भी कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनेगा तो आपके पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक बोल सकते हैं मशीन है ये, ठीक है, ये मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना ये करंट से चलता है। इसमें हम लाइट देते हैं, लाइट देने के बाद में इसको ऑन करते हैं, इसे अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, इसको लोग लैपटॉप नाम दे दिए, कोई लोग लैपटॉप कहते हैं, अलग अलग कंपनियाँ अलग नाम देती हैं। लैपटॉप बता दिया मतलब क्या होता है, तो ये बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट के अंदर जो कि लैपटॉप बनाती हैं, जैसे HP हो गया, डेल हो गया, एसर हो गया, लेनोवो हो गया, ठीक है, जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन मार्केट के अंदर है, सैमसंग है, नोकिया है, अप्पो है, जियोनी है, ऐसी कंपनियां बनाती रहती हैं, उसी प्रकार से लैपटॉप बनता है। देखिए अब लैपटॉप क्या होता है, एक तरह से ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर हो गया, मतलब एक प्रकार से ये पार्ट लगा हुआ, इसके बहुत सारे पार्ट लगे हुए हैं और हम इंसान हैं ये, तो हमको और इससे बात करना है, बात करना है। तो मान लीजिए दो इंसान है, एक आदमी जापानीज बात करता है और एक आदमी बात करता है हिंदी में बात करता है, तो हिंदी वाला जब बोलेगा तो जापानीज समझ नहीं पाएगा और जापानीज जब बोलेगा तो हिंदी समझ नहीं पाएगा, तो इनके बीच में क्या चाहिए, एक चाहिए मेडिएटर, एक चाहिए ट्रांसलेटर, जो इनकी भाषा को इसको बता सके, इनकी भाषा को इसको बता सके। तो उसी प्रकार जो लैपटॉप होता है ना और इंसान होते हैं, इनके बीच में एक होता है मेडिएटर, एक कह सकते ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर मेडिएटर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम नोट कर लीजिए भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या हो गया, जैसे लोग कहते हैं विंडो 7 लोडेड है क्या लैपटॉप में, विंडो 8 लोडेड है क्या लैपटॉप में, विंडो 10 या विंडो 11 है, तो सुनते हैं ना ये। तो माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी है जो कि बनाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 98 आता था, लेकिन जमाना अब विंडो 11 का है ये। तो अब लैपटॉप जब खरीदेंगे आप हैं तो दुकानदार बताता था इसके अंदर विंडो 11 लोडेड है, टेक्नोलॉजी नई है, माइक्रोसॉफ्ट ने नया लॉन्च कर दिया, तो जब मैं इससे अब बात करना चाहूँगा तो विंडो 11 के माध्यम से, विंडो 10 के माध्यम से मैं आपस में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको हम आदेश करते हैं या फिर हमारा काम करता है, समझ गए? देखिए इसको बहुत सारा पार्ट लगा हुआ आता है, बताता हूँ पहले। देखिए पहले तो ये बता दो चार्जर आपको, देखिए ये लैपटॉप का अडैप्टर है, जब बता रहा हूँ कि लैपटॉप क्या होता है, तो ये अडैप्टर है, अडैप्टर के माध्यम से हम लैपटॉप को चलाते हैं, मतलब इसमें बैटरी तो लगा हुआ है, आपको बैकअप तो मिलेगा, लेकिन बैकअप जब चार्ज होता है ना मिलेगा, इसको चार्ज करने के लिए हमारे पास अडैप्टर होता है। ये अडैप्टर दो पार्ट में है, ये देखिए हमारा जो घर का मेन लाइट होता है इसमें 220 वोल्ट आता है, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, पीछे बोर्ड दिख रहा है, इसके अंदर हम इस तार को लगा देते हैं, और तार लगाने बाद में ये जाता है अडैप्टर के साथ में, और उसके बाद जाकर के यहाँ से निकलता है आउटपुट। ये देखिए ये AC करंट को DC में कन्वर्ट करके हम अपने लैपटॉप में लगाते हैं तो हमारा लैपटॉप ऑन होता है। डायरेक्ट AC करंट नहीं जाता है, DC जाता है। इनके घर के अंदर लाइट वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, उड़ जाए, तो बहुत बार संभावना ये होता है ये वाला खराब हो जाता है, मतलब सस्ता होता है लैपटॉप, खराब हुआ मदरबोर्ड महंगा हो जाएगा, समझ गए? अब देखिए ये तो चार्जर हो गया, ऐसे चार्ज करते रहते हैं। अब पहले लैपटॉप में क्या होता था ना, बैटरी जो है अलग से आता था, जो बैटरी होता था अलग से आदमी निकाल लेता था, खुद कर लेता था, क्योंकि अब मोबाइल का बैटरी भी है ना। अब देखिए छोटा फोन पहले आता था, बैटरी निकाल लेते थे ना, अब मोबाइल का बैटरी निकालना अगर हो, कोई एक्सपर्ट आदमी हो तो बैटरी निकाल पाता, नॉर्मल आदमी निकल पाता है। उसी प्रकार से इसमें लिथियम बैटरी देते हैं, इनबिल्ट बैटरी है, अब बैटरी निकल पाता, एक तो बैटरी इसके अंदर लगा होता है, इसके माध्यम से हम बैकअप ले लेते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। उसके बाद एक दिया होता है स्क्रीन, ये दिख रहा है ना स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ये इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ये स्क्रीन है ये, और स्क्रीन के माध्यम से हम जो चीज़ें टाइप करते हैं, हम जो चीज़ देखना चाहते हैं, हम इसके माध्यम से देख सकते हैं, समझ गए? इसको स्क्रीन कहते हैं। इसमें 14 इंच का स्क्रीन भी आता है, लैपटॉप लेंगे 15 इंच का भी स्क्रीन आता है, 15.5 इंच का भी आता है, और 11 इंच का भी आता है, तो ये स्क्रीन हो गया। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ कीबोर्ड दिया हुआ है, कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिया जाता है, इसके माध्यम से कुछ हम टाइप करना चाहते हैं, मान ली लेटर लिखना हमको है, हमको एप्लीकेशन लिखना है,
कुछ करना ना तो इसी के माध्यम से किया जाता है भाई साहब। कीबोर्ड हो गया ये, उसके बाद देखिए ये एक दिया था टच पैड। मान लीजिए कि जो ये हम कंप्यूटर में माउस लग काम करते थे, माउस लग जब काम करते थे तो ऐसे मूव करते काम करता था, लेकिन अब क्या हो गया लैपटॉप के अंदर इसका जमाना खत्म हो चुका है। अपनी उंगली के इशारे से जो हम ऐसे मूव करते हैं, इसको टच पैड कहते हैं। तो जानना बहुत जरूरी है कि लैपटॉप में किस पार्ट को क्या कहते हैं। अगर नहीं मालूम आपको होगा तो किसी सामने खड़े होंगे जवाब दे दे पाएंगे। तो टच पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसके बाद आपका ये जो स्क्रीन हो गया। अब देखिए जितने लैपटॉप आते हैं लैपटॉप के अंदर आपको एक कैमरा दिया रहता है। कैमरा क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं इंडिया में हूँ, कोई आदमी अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई आदमी दिल्ली में कहीं पे है, तो मैं चाहता हूँ ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से हम जो है इस कैमरे के माध्यम से हम चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। बहुत सारी जगह जो है दिखाई जाता है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो इस कैमरे के माध्यम से आप इसको बोलते हैं वेब कैमरा बोलते हैं। इनबिल्ट माइक भी दिया रहता है यहाँ पे, माइक छोटा सा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे जैसे लैपटॉप महंगा लेंगे लैपटॉप सस्ते महंगे आते हैं। देखिए ये लैपटॉप जैसे मान लीजिए ये थोड़ा महंगा लैपटॉप है, 65,000 रुपये का लैपटॉप है। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको लैपटॉप जो है 35,000 का मिलेगा, आपको लैपटॉप 45 का मिलेगा, 55 मिलेगा, 70 मिलेगा और 2,00,000 का भी लैपटॉप मिलेगा। तो आपको समझना ही होगा इसमें जो पार्ट लगा रहता है ना, मतलब मान लीजिए कमजोर पार्ट लगा रहेगा सस्ता मिलेगा, उससे थोड़ा मजबूत लगा रहेगा थोड़ा उससे महंगा मिलेगा, उससे मजबूत रहेगा तो और महंगा मिलेगा, उससे मजबूत रहेगा और। तो इसी टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप सुनेंगे जैसे कि आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, बता दिया विंडो 10 आता है, विंडो 11 आता है आज के डेट में। उसी प्रकार से इस कंप्यूटर लैपटॉप का दिमाग बनाती है कंपनीज को बोलते हैं इंटेल और बोलते हैं AMD, दो कंपनियां जो दिमाग बनाती हैं। तो दुकानदार आपसे ये पूछेगा कि सर आपको इंटेल लेना कि AMD लेना है। इंटेल के अंदर कोर i3 आता है, कोर i5 आता है, कोर i7 आता है, उसके बाद AMD के अंदर राइजन 3 आता है, राइजन 5 आता है, राइजन 7 आता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज के अंदर है CPU भी, जिसको दो कंपनियां बनाती हैं। ये समझ चुके हैं। उसके अंदर बहुत बार देखिए क्या होता है ना कि जो पोर्ट लगे रहते हैं ये भी जानकारी जरूरी है। जरा दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे ये है, आपको मान लीजिए एक टीवी कनेक्ट करना है तो देखिए इसमें दिया हुआ स्लॉट दिया हुआ है, स्लॉट को बोलते हैं HDMI स्लॉट कहते हैं, मतलब HDMI पोर्ट कहते हैं। इसके माध्यम से आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, इसके माध्यम से टीवी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट होता है। उसके बाद देखिए USB पोर्ट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है, आपको स्कैनर कनेक्ट करना है, आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, इसमें लगाते हैं अपना काम कर लेते हैं। इसका अपडेट वर्जन लैपटॉप में आ चुका है, इसको बोलते हैं Type-C पोर्ट कहते हैं। इसकी स्पीड इसके मुकाबले थोड़ा तेज होता है। फिर आपको स्पीकर कनेक्ट करना, मान लीजिए कि आपको गाना सुनना है, जो आवाज़ आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि आवाज़ इसके अंदर भी आए क्योंकि इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है, चाहते हैं कि और तेज बजाना गाना, तो इसके अंदर अलग से आप स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, बना हुआ है। आप ईयरफोन लगाना चाहते हैं, यहाँ ईयरफोन लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ USB एक और पोर्ट दिया हुआ है ये, और फिर इसका चार्जिंग करने के लिए पोर्ट दिया हुआ है ये, ठीक है। ये लैपटॉप हो गया। इसके अंदर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नोट कर लिया, आपको नोट करना है। एक तो इसके अंदर CPU लगा होता है, फिर RAM होता है। RAM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितना ज़्यादा RAM रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड मिलेगा आपको। 4GB रहेगा तो उसके हिसाब से स्पीड मिलेगा, 8GB हो जाएगा और तेज मिलेगा, 16GB हो जाएगा उससे तेज मिलेगा, 32GB होगा तो बहुत तेज भागेगा, समझ गए, दो चीज़ हो गया। फिर उसके बाद होता है इसमें स्टोरेज डिवाइस, जिसको हार्ड डिस्क लोग कहते हैं, फिर आज के डेट में SSD कहते हैं। हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क में क्या हम डेटा सेव करते हैं, जितना ज़्यादा हार्ड डिस्क होगा, जितना स्टोरेज डिवाइस होगा उतना ज़्यादा फाइल लग सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ज़्यादा फोटो रखना है, ज़्यादा वीडियो रखना है, ज़्यादा फाइल रखना है, तो ज़्यादा GB का आपको SSD या ज़्यादा GB का आपको हार्ड डिस्क लेना होता है, समझ गए। तो मुझे लगता है कि अगर आपके मन में सवाल होगा कि लैपटॉप क्या कहते हैं तो सिंपल भैया बता दीजिए, हिंदी में संगणक कहते हैं, मतलब कि पूरा नाम मैंने शुरू बता दिया था। कंप्यूटर को संगणक कहते हैं और लैपटॉप को दोबारा बता देता हूँ हिंदी में YouTube गूगल पर देख करके कि सुहा, हिंदी थोड़ा मेरा वो है, ये पढ़ लीजिए ध्यान से, देखिए लिखा हुआ है सुहा संगणक, देख रहा ना ये देखिए इसको बोलते हैं, ये लैपटॉप बोलते हैं। अंग्रेजी लैपटॉप, लैप मतलब गोल होता है, टॉप मतलब ऊपर होता है, या नोटबुक। एक व्यक्ति संगणक को कहते हैं और जिसकी डिज़ाइन में इस बात का ध्यान रखा हो कि इसे अपने साथ ले जाना रोज़ आसान हो और जिसे गोद में रखकर काम कर सके, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में बताया गया है कि ऐसा चीज़ जिसको आप एक जगह से दूसरे लेके जा सकते हैं, जिसको गोद में रख के काम कर सकते हैं, उसको हम लैपटॉप कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा कैसे लैपटॉप चलाते हैं, आप जान गए बेसिक इसके बारे में, तो आप जाकर ये वीडियो चेक करिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के, लैपटॉप कैसे चलाते हैं, लैपटॉप कैसे ऑपरेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ बताने का मैंने प्रयास किया दोस्तों। तो देखिए बेसिक बेसिक चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताऊँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि ये बेसिक चीज़ें, और वीडियो को देखे होंगे
तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा लैपटॉप के बारे में, और आप भी लैपटॉप सीखने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना वैसे टेक्निकल सीखना चाहते हैं, हो सके वीडियो के माध्यम से उनको कुछ मिले। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।